फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की कुरकुरी बर्फ़ी, जिसे आप डेजर्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर कोई आपके घर गेस्ट आए या फिर कोई फेस्टिवल हो तो आप इसे इजीली बना सकते हैं, या फिर जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इजीली इसे बना सकते हैं अपने घर में। तो और बहुत ही ईजी बनता है ये घर में होममेड बर्फ़ी। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सूजी की बर्फ़ी। तो मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। घी को हम गरम होने देते हैं। आप चाहे तो इसे घी या फिर तेल में भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ क्योंकि घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो घी गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया हुआ है, मोटे दाने की सूजी है ये। तो हम सूजी को डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। हमें सूजी के लिए घी या फिर तेल आप जो ले रहे हैं उसे सफिशियंट क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि अगर हम कम लेंगे तो सूजी पूरा ड्राई रहेगी और अच्छे से भून नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमें इतना घी या फिर तेल लेना है जिससे हमारा सूजी जो है वो मॉइस्ट हो जाए अच्छे से और तेल या फिर घी को सोक कर ले, जिससे बर्फ़ी बनने के बाद अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इसे ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। और सूजी भूनते समय हमें गैस का फ्लेम एकदम स्लो करना है, लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है कंटिन्यू, क्योंकि हम अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो नीचे से सूजी जल जाएंगी और ऊपर से कच्ची रह जाएगी। कच्ची रहेगी तो फिर बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, पूरा हलवे जैसा फिर आपका जो ये सूजी की बर्फ़ी है पूरा हलवे जैसा बन जाएगा। इसीलिए हमें इसे पूरा ब्राउन होने तक भूनना है। इसे हमें ऐसे ही, देखिए नीचे से ब्राउन होना भी शुरू हो गया है, तो हमें इसे ऐसे ही भून लेना है। ये देखिए हमारा सूजी हो गया है। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है ताकि ये पूरा अच्छे से ब्राउन कलर हो जाए और जो कच्चा सूजी हो वो भी अच्छे से हमारा भून जाए। देखिए अब हमारा सूजी अच्छे से भून गया है, तो हम इसे 1.5 से 1 मिनट तक ऐसे ही चला लेंगे। ये देखिए हमारा सूजी भून गया है अब, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सूजी को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए मैंने पूरा सूजी निकाल लिया है, ये देखिए कितना अच्छे से भून गया है। तो मैंने सेम पैन लिया है, इसमें हम चाशनी बनाएंगे बर्फी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप
पानी लिया है, पानी गर्म होना शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। मैंने 1/2 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है और इसे हम पूरा अच्छे से चाशनी बनने देते हैं। हमें इसे पका के चाशनी को थोड़ा सा रखना है। हमें इसे गाढ़ा चाशनी बनाना है, पूरा टाइट वाला। हम इसे कंटिन्यू इसे बॉईल होने देते हैं। आप चाहे तो इसमें केसर के 2-4 धागे भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो। मैं नहीं डाल रही हूँ। इसे हमें बीच बीच में 2 से 3 बार चला लेना है। देखिए पानी कम होने लगा है इस चाशनी का। तो यहाँ पर मैंने 2-3 इलायची ली थी, उसे मैंने कूट लिया है। तो ये हमारा चाशनी हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो सूजी है हम वो डाल देते हैं। इसे हम ऐसे ही स्टेयर कर लेते हैं। ये देखिए ये सूजी थोड़ा थिक होने लगा है। हमें इसे पकाना नहीं है बिल्कुल भी। ये कंटिन्यू पूरा जो चाशनी है ऑब्जर्व कर लिया है सूजी ने। और हमने यहाँ पे 2 से 3 काजू चॉप कर लिया था, हम वो डाल देते हैं यहाँ पे। हम इसे ऐसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रखते हैं। देखिए ये और गाढ़ा होने लगा है, पूरा थिक हो गया है। और इसका जो पानी था चाशनी का वो पूरा ड्राई हो गया है। तो हम गैस को अब ऑफ कर देते हैं और इसे ऐसे ही हम चला लेते हैं। ये देखिए पूरा ड्राई हो गया है। तो हम इसे सेम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से ये सूजी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा घी ग्रीस कर लिया है और इसे हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं सूजी को। तो अब हम इस सूजी को अच्छे से फैला देते हैं इस प्लेट में 1 चम्मच की सहायता से। देखिए हम ऐसे ही इवेंटली स्प्रेड कर देते हैं चारों तरफ से। ये देखिए अच्छे से पूरा फैल गया है। तो इसके ऊपर हम मैंने थोड़े ड्राई नट्स चॉप करके रखे हैं, थोड़ा बादाम और पिस्ता। तो हम इसके ऊपर ऐसे ही डेकोरेट कर देते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे नारियल जो ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं ऊपर में। हम यहाँ पे थोड़ा बादाम और पिस्ता डाल रहे हैं। देखिए इसे भी हम अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि बर्फ़ी में अच्छे से ये सेट हो जाए।
और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए ये सेट हो गया है हमारा बर्फ़ी। तो इसे हम नाइफ़ से कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना इजीली कट हो रहा है और अच्छे से पूरा सेट हो गया है। हम इसे दोनों साइड से कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बर्फ़ी बन के रेडी हो गया है। आप इसे घर में बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो।